मुझे कुछ कहना है, बहुत ही सुनते ही लगता है कि बहुत ही प्यारा सा और कुछ गुदगुदाने वाला एक बात होगा कि बहुत जो रोमांटिक जो जोड़ी जो बात होती है, जो दिल की जो बातें होती हैं, दिल की जो जो दफन हुई जो बात होती है, जो इंसान जो कहना चाहता है। तो जैसा कि इसका शीर्षक है, मुझे कुछ कहना है, ये हमारी फिल्म का नाम है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, और इसमें वैसे ही कुछ है, दिल की बातें, दिल की जज्बात, वो जो बयां नहीं कर पाता है या कर पाती हैं, वो इस फिल्म में बयां हो रही है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयां हो रहा है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि इस फिल्म का पूरा काम प्री प्रोडक्शन का समाप्त हो चुका है, डबिंग हो चुकी है, और आज एक स्पेशल सॉन्ग शुरू हो रहा है। काजल से जानते हैं क्या क्या है ये सॉन्ग और कितना एंजॉय कर रहे हो आज? सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। सॉन्ग एक हम लोग प्रमोशनल सॉन्ग शूट कर रहे हैं और बहुत प्यारा सॉन्ग है ये, तो जब स्क्रीन पे आएगा, मूवी में आएगा, तब आप सबको दिखेगा एंड सबको पसंद भी आएगा। बिल्कुल, और दोस्तों देखिए थोड़ी बहुत झलक इस फिल्म की मैंने देखी है, जहाँ पर आप एक अफसर है, सरकारी अफसर होते हैं, आप एक एक्ट्रेस होती हैं, और आप दोनों के बीच काफी जो है तू तू मैं मैं होती है, आखिरी में शादी होती है दोनों की, नहीं होती, प्यार होता है नहीं होता है ये मुझे नहीं पता, आप ही बताएं फिर, होती है शादी प्यार? वही इस फिल्म का थोड़ा सा गिमिक है, गिमिक ये है कि मैं उसको हाँ भी बोल सकता हूँ और ना भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इस फिल्म का जो एंड है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हर बार हमने हर फिल्मों में देखा है, जो भी हम नॉर्मल फिल्म बनाते हैं तो जो भी घटनाएं घटती हैं पूरी फिल्म में, फिर एंड में हीरो हीरोइन आगे प्यार से जो भी है, बट इस फिल्म का वैसा मामला नहीं है, क्योंकि इस फिल्म का जो एंड और जो पूरा जो फिल्म का जो जर्नी है पूरी फिल्म स्टार्ट से लेके एंड तक, वो बहुत आप अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है या क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत, स्मूथ और कमाल की लव स्टोरी, साथ ही साथ पारिवारिक चीज़ों को जो उसके जो उधर बूढ़ है क्या बोलते हैं उसको संजोड़ते हुए ये फिल्म की कहानी चल रही है, और बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है और नया है। नायाब इसलिए क्योंकि जो अब तक जो हम फिल्में जो करते आए हैं, जो लोगों ने देखा है या हमने भी जो किया है, दर्शकों ने जो देखा है, वो उससे काफ़ी हटकर और काफ़ी बेहतर और काफ़ी खूबसूरत कमाल की कहानी है, जो कि इस फिल्म के निर्माता हमारे निशांत उज्ज्वल जी हैं। वो हमेशा जब भी कोई भी फिल्म बनाते हैं, जिस भी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया है, तो वो हमेशा बेहतर और खूबसूरत फिल्मों का निर्माण वो हमेशा करते हैं, जितनी भी बड़ी फिल्में हैं वो बनाते हैं, और आज हमारे भोजपुरी के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में से वो एक हैं। बहुत अच्छा लगता है, मेरे भाई हैं, बहुत प्यार करता हूँ उनसे, और हमेशा वो अच्छी फिल्म बनाने का उनका जो प्रयास रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब भी मिलते भी हैं तो सिनेमा की बातें करते हैं, बेहतर सिनेमा की बात करते हैं, तो वही चीज़ आपको इस फिल्म में भी नज़र आएगा। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं अनंजय रघुराज जी, वो अपने आप में एक अलग क्रिएटिव इंसान है, और साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा की सबसे लंबे डायरेक्टर भी हैं। हाँ, सबसे लंबे डायरेक्टर भी, सबसे लंबे, और उसे पूछने के लिए कि क्या शॉट लगा है ऐसा हो रहा है तो, और वो चूंकि बहुत ही मज़ेदार इंसान है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, उनके साथ काम करना हमेशा मज़ेदार रहता है, एक अलग ही शख्सियत है वो, उनके अंदर एक कभी कभी बच्चा भी चलते रहता है, कभी कभी बहुत ही मतलब क्रिएटिव इंसान है। उनकी दूर दृष्टि बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जब मैं इस इंडस्ट्री में नया जब काम करा था तो तभी उन्होंने बोला था कि ये लड़का बहुत बड़ा स्टार है, तो उनकी दूर दृष्टि जो है बहुत कमाल है। और अब इस फिल्म की बात करूँ तो अनंजय जी और इनके अलावा जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं इस फिल्म से, टीम से, जितने भी अन्य हमारे साथी कलाकार हैं, को स्टार हैं, सबने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत ही खूबसूरत, और पूरे स्टार्ट टू एंड तक जो एंटरटेनमेंट है इस फिल्म का, हम दोनों का जो नोक झोंक है वो तो बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल, चलिए थोड़ा सा काजल जी से भी बात करते हैं। काजल जी, ये बताएं, मुझसे पहले इन्होंने एक अच्छी सी बात बताई, आपके भी जहन में है, आप बहुत हंसे, कैसा आप तो हम उम्र आपको जो है को स्टार मिला है, काफी फिल्में आप दोनों साथ कर रहे हैं, बुरा ना माने उन्हें चली गई है, तो आप समझिए कि मेरा सवाल क्या है, कितना एंजॉय करती हैं अब इनके समय को, इनके साथ को? बहुत एंजॉय करती हूँ, और इनसे खास करके सीखने भी बहुत मिलता है, इनको हर एक इक्विपमेंट्स, हर एक चीज, मतलब कैमरा एंड ऑल सारी हर चीज़ का नॉलेज है, और वो भी इनके अंदर है, और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर भी है हमारे इंडस्ट्री के, और बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत हंसी हंसाते रहते हैं, बहुत मजाक ही है, झगड़ा भी हम लोग बहुत करते हैं।
काजल जी बेसिकली बहुत मतलब क्या बोला जाए, बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, तो कई बार छोटा बच्चा किसी बिन बात पे भी रुट जाता है और कभी कभी बिन बात के खुश भी हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि कोई तीसरा कोई या चौथा से कोई भी घूम रहा है वहाँ से कोई लॉलीपॉप दिखा दे, चॉकलेट दिखा दे, तो ऐसे किचन किचन जाए दही भी जाती है तो बहुत सारी बातें ऐसी जो बहुत मजेदार रही है और मैं सच बताऊं तो इनसे इसमें बहुत कुछ सीखा भी हूँ कि जो इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है वो रखने वाला भी मतलब बात जिगर चाहिए किसी की, मतलब लड़की की। ऐसा कौन सा जिगर वाला बात की आपने बताई? पहले आया तो वो ऐसे मोबाइल में, तो मैं बहुत करीब गया, मैंने कहा कि मतलब क्या देख रहे हैं ये, तो मैंने उनको पूछा कि मतलब इतने करीब से आपकी आंखें दिख रही, बोले जो आप लोग नहीं पढ़ पाते वो मैं पढ़ लेता, वो पढ़ लेते हैं, वो बात सच्चाई। और कभी कभी इस गलत फहमी में लोगों को लगता है कि अरे वहाँ वाला मसला तो नहीं दिख रहा, एकदम दिख रहा है, एकदम दूर से उनको पूरा 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 भूगोल बना रहे होते हैं। कोई बार तो ये करना है कि वो कोई हमारी एक्ट्रेस है भोजपुरी की और वो एक पार्टी था, तो वो मैं उनसे मिला और मिलने के बाद जैसे ही मुझसे मिली तो अनंजय जी थोड़ा दूर से वो भी खड़े थे थोड़ी दूरी पर, तो वो ऐसा देख रहे थे, तो वो जो एक्ट्रेस थे उन्होंने हाई किया, तो उन्होंने मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो ये एकदम नाराज हो गए और जो गुस्से में कह रहे बताइए क्या तरीका है, मेरी बेइज्जती कर दी, तो मैंने बोला कि क्या बेइज्जती हो गई, उन्होंने कह रहे नहीं वो बताइए अनंजय जी को मैंने हाय बोला वो देखे भी नहीं, ये कौन सा बात होता है, ऐसा थोड़ा होता है, कम से कम रिप्लाई तो करना चाहिए, काम करना नहीं करना ठीक है। वो बड़े प्रोड्यूसर है, उस वक्त वो बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्माण भी किया है, तो बोले ठीक है आप बड़े प्रोड्यूसर हैं तो इसका क्या मतलब है भाई, आप रिप्लाई भी नहीं करेंगे, तो मैंने बोला कि नहीं आप इसको बुरा मत मानिए, आप उसको अन्यथा ना लें, वो उनके दिमाग में चूंकि क्रिएटिव इंसान है तो आपको देख भले आप करें लेकिन उनका क्रिएटिविटी कहीं और चल रहा है, तो आप उनके करीब जाइए और उनको करीब जाके उनको हाय बोलिए, देखिए आपसे चार गुना ज्यादा बढ़िया रिप्लाई वो देंगे। तो जाके वो जैसे बोले कि हाय, तब अनंत जी बोले हाय हेलो, तो हेलो, तो वो बहुत, तो उनके साथ काम करना हमेशा फन रहता है और बहुत ही मजेदार काम होता है, इसलिए हमने काफी फिल्में भी साथ में की है और उसी कड़ी में एक फिल्म हमारी है loveviva.com जो बहुत ही जल्द प्रदर्शित भी होने वाली है सिनेमा घरों में, तो जब भी ये फिल्म लगे आप लोग जाके जरूर देखें, उसमें मैं हूँ और आम्रपाली दुबे जी हैं, बहुत ही कमाल के अभिनय के साथ, कमाल की कहानी के साथ सजीव फिल्म है, और अभी मुझे कुछ कहना है उसी कड़ी में, बहुत ही शानदार फिल्म बन रही है, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही लाजवाब है। नहीं वो तो दिख ही रहा है, आप जब बातें कर रहे हैं तो काजल इतना हंस रही हैं और ये बताएं कि इतना लेकिन इस घटना से वो भी वाकिफ है, वाकिफ है वो खुद पर्सनली भी वाकिफ है ना, तुमको पता है मेरा एक्सपीरियंस था एक फर्स्ट वाला, बिकॉज़ ये बोलते थे कि अनजय जी कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यादा दूर दिखाई नहीं देता, तो ऐसे देखता है, तो एक पटना से पाकिस्तान ट्रिप कर रही थी, एक लोकेशन था हम गाड़ी से जा रहे थे, वो भले उनको दिखाई दे ना लेकिन आपको हमेशा करीब से देखते हैं, कम से कम मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर हो गया ना, इतना 1 किलोमीटर तो हो गया, एकदम जंगल मतलब पूरा सन्नाटा था, एकदम ऐसे वो पेड़ वेड़ नहीं थे, खाली खुला सब रास्ता था और एकदम दूर में घर था छोटा सा, मुझे नहीं दिखाई दे रही